और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा है और उसके जो कुछ ऐसे फरियादी हैं जो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं लेकिन जनता दरबार के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो जनता दरबार के बाहर हैं और इन्होंने बैनर पोस्टर लगाया हुआ है कि खुशी कहाँ है और पुलिसिया राज है और खुशी कहाँ है, सरकार लापता है। यानी कि इनको साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि खुशी कहाँ है, हम इनसे बात करेंगे। आप कुछ एक खुशी कहाँ, ये खुशी कौन है? खुशी मेरी बच्ची है, आपकी बेटी है। हाँ, क्या हुआ? वो दामाद बोला कि घर से भाग गए, घर से भाग गए। तो हमको कहे कि घर से भागी नहीं, हम बच्चे से क्लियर थे, ये लोग मार दिया। कहे कि पूछताछ किए तो झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। अब थाना में गए तो कामिया मिश्रा बोलाए सबके थाना में एयरपोर्ट गए तो बोलता है ना कामिया मिश्रा के लौटला पर हमसे मनोज सर के सामने कि आप भगा दिए हैं। हम कहे अपना बच्ची को हम भगा देंगे आपके यहाँ से? आप तो लिया गए, अगर नहीं जाने देना रहता तो हम घर ही रख लेते। हम जानते कि आप मर्डर कर देंगे तो हम घर ही रख लेते, लेकिन आप तो मार ही दिए हैं। मतलब आपकी बेटी की शादी हो गया? हाँ, शादी हो ले, शादी शुदा है। तो कितना उम्र में, कब शादी हुआ है? 2018 में। 2018 तो मतलब आप अपने उसके ससुराल गए तो वो पूछे कि कहाँ है बेटी, तो बोली कि घर से भाग गई। हाँ, घर से फोन किया हमरा भी 10 बजे करीब फोन किया 3 तारीख के। तो बोला कि घर से भाग गया। तो हम लोग बाप बेटा गए तब पूछताछ किए। पूछताछ से वो बोला कि हमने दोनों साथी सुतल थे आ हमारे नाती जो है ना वहाँ मम्मी होकर पहुँचा दिया बहन के यहाँ आ घर एकदम क्लियर आ घर ऐसा है सेफ कि उसमें कोई हल्लो करेगा तो नहीं बाहर आवा जाएगा। अभी जैसे मारे लेकिन जान मार दिया है, मर्डर तो है। आई पूरा परिवार एक हो गया, सबके हाथ है। मतलब पहले से ससुराल से आपको बेटी बताती थी कुछ कि मेरे ससुराल में मारते हैं पीटते हैं, पहले बताती थी? पहले जैसे मारपीट किया ना तो कुछ दिन नहीं बताया कि शिकायत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर मारना शुरू किया ना तब बताया, फोन किया कि ना पापा ना लिया जब हमारा जान मार दे। तो हम लिए बोला लिए कि बेटे के बात है कब तक हम रखेंगे, आया लिया वे दमाद। तब बोला कि पापा हम भाग जाएगी तो नहीं रखेंगे। तो हम सोच कि ये मैटर अब कहाँ से आ गया। तो बच्चे बोलता है ना अलग लिया जाके, हम पूछे तो कि ना पापा हम भागेंगे काहे के लिए, रुपया मांगे पैसा मांगे अब मत दीजिएगा, हम ठीक है अब नहीं देंगे, जो दे दिए से दे दिए। हम मतलब काहे मारता था, मतलब पैसा मांगते थे ससुराल वाला? क्या ससुराल वाला पैसा मांगता था? दमाद कमांडर ने धमाना है, दिन भर घर ही में रहना है, एक पैसा के काम नहीं करना, आ दूसरे पर निगाह कैले रहता है। वो बोला है कोई से ना, कहाँ आपका घर हुआ? हमारा घर मोहल्ला मुस्तवापुर है, बेटा थाना है। बेटा थाना है। हाँ, आ बच्चे शादी भी किए थे यहाँ जगदेवपथ मुरलीचक। तो आपने थाना में संज्ञान दिया, FIR किया है? नहीं किया। वहाँ पे आप किया FIR? हम गए तो नहीं लिखाया कुछ, कहा लिखाया थाना में FIR? वो नाम लिख लिया, वो फोन नंबर ले लिया, कह दिया कि जाइए आयोग। नाम ले लिया ना फोन नंबर पुलिस थाना ले लिया, बोला आयोग जाइए। हाँ, जाइए। FIR नहीं लिया? नहीं लिया, नहीं हुआ। कहाँ पर आप करवाए थे? एयरपोर्ट थाना में, एयरपोर्ट वाला थाना। हाँ हाँ, वही पड़ता है भीड़। तो अभी आप जनता दरबार पहुँचे? हाँ, नीतीश जी से मिलने के लिए सोच रहे हैं कि न्याय मिले बच्चे के। लेकिन आप यहाँ जनता दरबार से मिलने के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है आवेदन, आपने अब ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन हो गया है। तो अभी आपका शेड्यूल नहीं बना? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आप लड़की का भाई हुए? जी। तो जैसे कि मैं, आप शादी होने के बाद आपकी बहन बताती थी कि हमको ससुराल वाले मारते पीटते थे? हाँ, टॉर्चर वो लोग मतलब करते रहता था पैसा के लिए। तो आप बीच में ससुराल जाकर नहीं देखे? देखे, अब उसको समझाए, अब क्या कर सकते, समझाने तक न समझा सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपकी बहन लापता हो गई, मतलब मार दिया गया है? हाँ, उसके ससुराल वालों ने मार दिया है और बोलता है कि भाग गई। भाग गई है, इसमें प्रशासन भी है, वो मिला हुआ है उसके पास भी जाते हैं तो वो बोलता है कि हम ढूंढ रहे हैं, बस केवल ढूंढ रहे हैं, 9 महीना से ढूंढ ही रहा है अभी तक। 9 महीने से ढूंढ रहे हैं? हाँ, मतलब। और लेकिन थाना में कहीं FIR वगैरह नहीं ले रहे हैं? नहीं लिया वो थाना में, हम लोग कोर्ट से FIR के एप्लीकेशन दिए हैं कोर्ट में। थाना में तो बोलता है कि जितना पेपर आएगा तो हमरे भी आएगा, जो आयोग है ना वो बोला शुरू में कि जितना पेपर आएगा तो हमरे भी आएगा। तो हम तो जानिए ना कि लीपापोती में लगल है लोग, एकदम क्लियर है कि लीपापोती हो रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी जो 9 मंथ से लापता है, और जब ये पुलिस में के पास जाते हैं तो नंबर फोन नंबर लिख लिए हैं लेकिन संज्ञान में ले रहे, बोल रहे हैं कि आयोग जाइए। इसलिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पहुंचे हैं अपनी बेटी को खोजवाने के लिए। तमाम खबरों के बारे में।